तो इस वेले दी वड्डी खबर अमृतसर च वड्डा एनकाउंटर होया है। गैंगस्टर लंडा हरीके दा गुरगा ढेर कर दिता गया। वड्डी खबर आ रही है लंडा हरीके ते सत्ता नौशहरा गैंग दा एक साथी जो एक मैंबर है उस नू ढेर कर दिता गया है। वड्डी खबर इस वेले दी अमृतसर दे विच इह एनकाउंटर होया है। गैंगस्टर लंडा हरीके दा गुरगा ढेर कर दिता गया। एनकाउंटर दे विच इस नू ढेर कीता गया है। दस दिए कि लंडा हरीके ते सत्ता नौशहरा एक गैंग है जिस दा ए मेंबर सी लखवीर सिंह जिसनू ढेर किया गया है। दस दिए कि इस वेले कई इस ते इल्जाम सी। हुण वड्डी खबर अमृतसर तो आ रही है जिथे एनकाउंटर होया है। पुलिस इसका पीछा कर रही सी। दसिया ही जा रहा है कि उस तो बाद लंडा हरीके गैंग दा ए शख्स जो है मैंबर है उसनू एनकाउंटर दे विच ढेर कर दिता गया। गैंगस्टर लंडा हरीके दा गुरगा एनकाउंटर दे विच ढेर किया गया। अमृतसर तो वड्डी खबर सामने आ रही है। दस दिए कि गैंगस्टरां ते नकेल कसन दे लई लगातार कोशिशां जारी ने ते हुण गैंगस्टर लंडा हरीके दा गुरगा ढेर कर दिता गया। एनकाउंटर दे विच मार गिराया गया। लंडा हरीके सत्ता नौशहरा ये गैंग है अते जिस दे विच लखवीर सिंह लंडा हरीके इस नू ओपरेट करदे ने अते सतप्रीत सिंह सत्ता नौशहरा इस नू ओपरेट करदे ने। गुरदेव जसल अते सरपंच जिहड़ा सठियाला दा पुलिस स्टेशन ब्यास दे विच इहदे विच एक एफ आई आर दर्ज सी जिस दे विच इह दस्सिया जा रहा है कि इस दे विच कई लोग इनवॉल्व सी। ते हुण जो एक खबर मिल रही है कि गैंगस्टर लंडा हरीके दा गुरगा एनकाउंटर दे विच ढेर किया गया। इस खबर ते होर अपडेट दे लई मेरे सहयोगी मनोज राठी फोन लाइन ते मौजूद ने। मनोज, पूरी जानकारी समझनी चाहवांगे किस ढंग दे नाल एनकाउंटर होया, किस दा एनकाउंटर किया गया, कौन ए गैंगस्टर सी? देखो बिल्कुल रणवीर, कह सकते हैं कि पुलिस नू एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जिहदे विच एक गैंगस्टर नू न्यूट्रलाइजेशन किया गया। और तुहानू दस दिए कि लगातार इहदे विच पुलिस पार्टी लगी हुई सी और खास तौर से क्योंकि जब मर्डर होया सीगा गुरदेव सिंह उफ गोरखा का जिहड़ा सरपंच सीगा और उस तो बाद 23-10 नू बी एस ब्यास के मामला भी दर्ज होया सीगा और उस तो बाद लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन कीती जा रही थी। हालांकि पुलिस नू एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सी और उस तो बाद जब ये पूरा ऑपरेशन तो बाद पूरा एरिया सील किया गया और तीन जिहड़े गैंगस्टर ने गुरशरण सिंह यह हरीके का है, परवीन ये भी हरीके का है, तो पारस यह नूर दी पिंड का उसी नेड़े दे पिंड का है। ये तीनों क्योंकि यह दसया जा रहा है जी पुलिस ने हुण तक की जानकारी दी है रणबीर कि यह तीना लंडा दे जिहड़ा विदेश अपना पूरा ऑपरेट कर रहा है उहदे जिहड़े गुरगे दसे जा रहे ने उहदे एसोसिएट दसे जा रहे ने। हुण तक जिहड़ी पुलिस वल्लों जानकारी दी गई है गुरशरण ते जिहड़ा पारस है यह दोवें ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਰੋਕ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ
लगातार लंडा जिहड़ा विदेश बैठे अपना ऑपरेट चला रहा उहदे संपर्क सीगे। हालांकि एक टॉस दिता गया सीगा जिहड़ी तुसीं गल कीती है सरपंच दा जिहड़ा मर्डर होया सीगा और इहदे विच हुण तक दी जिहड़ी इनफॉर्मेशन है कि कई खुलासे जिहड़े आ लगातार सामने आ रहे सी। हालांकि कई वैपन्स की रिकवरी करन वास्ते पुलिस वल्लों इहनां नूं कहा गया सीगा और पुलिस दी इहदे विच एक गल होर सामने आई है कि होर भी कई जिहड़े इहनां दे साथी है उहनां दे बारे भी कई खुलासे कीते गए सी कित्थे कित्थे वैपन लुकोए हुए ने और किस तरह की सारी चीजां ने किस तरह यह पूरा नेक्सस चल रहा सीगा कौन कौन इन्हां दे निशाने ते सीगा सारी चीजां नूं लैके और इसे ते हुण गौरव यादव जिहड़े डीजीपी ने पंजाब दे उहनां दा भी बयान सामने आया कि पूरा एक गैंग जिहड़ा चल रहा सीगा गुरशरण दी असीं गल कर लईए पारस दी असीं गल कर लईए होर किस तरह यह लंडा हरीके ते नाल नाल होर जिहड़े उहनां दे साथी है जो कि विदेश च बैठे जी असीं गल कर लईए जिहड़े उहनां दा पूरा एक नेक्सस चल रहा सीगा चाहे वह लंडा हरीके का गल हो चाहे वह सत्ता नौशेरिया की गल हो गुरदेव जसल वो भी के एक्यूज है। सरहाली पुलिस स्टेशन च जिहड़ा ग्रेनेड अटैक होया सीगा उहदे विच गुरदेव जसल का नाम सामने आया। सत्ता नौशेरिया की गल कर लिए एक्सटॉर्शन से मर्डर मामले च वह लंडा के नाल काम करता है लंडा हरीके जिहड़ा विदेश च बैठे कई एक्टिविटीज नूं काम कर रहा अपना नेक्सस जिहड़ा वो चला रहा जिसनूं लैके हुण पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। हालांकि इन्हां दा जिहड़ा खास एसोसिएट दसा जा रहा है गुरशरण सिंह और इहदे विच डीजीपी वालों जी है उन्हों की वीडियो बाइट भी आई है जिसके बारे इन्हें जानकारी दी गई है कि किस तरह इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जी रिकवरी वास्ते लैके जा रहे थे और भजन की जी है कोशिश की गई। हालांकि जिहड़ा उन्हों का दूजा साथी है पारस उन्हें छाल भी मारी है। हालांकि हुण तक की जी जानकारी सामने आ रही है कि कई वैपन्स की जी रिकवरी है होर भी पिछले दिन साबका सरपंच का मर्डर कर दिया गया 23 अक्तूबर आरती गुरदीप सिंह का कतल किया गया सठियाला पिंड गोलियां मार के कतल किया गया सरपंच कतलकांड पुलिस ने 3 मुलजमान गिरफ्तार किया जिस मुलजम गुरशरण सिंह प्रवीण सिंह अते पारस शामिल सी जिन्हों अज हथियारों की रिकवरी लई पुलिस लैके गई सी ते पुलिस मुताबक इस दौरान गुरशरण सिंह ने हथियार खो के पुलिस से फायरिंग की ते जवाबी फायरिंग दे विच गुरशरण सिंह नूं ढेर कर दिता गया है। तो गुरदीप सिंह आड़तिया जिसका कतल कर दिता गया सी तस्वीर तुहानू दिखा रहे हां ते उसे मर्डर केस दे विच 3 बदमाशा नूं गिरफ्तार किया गया सी। तां अमृतसर दे विच इह एनकाउंटर होया जदों इस लंडा हरीके दे गुरगे नूं ढेर कर दिता गया एनकाउंटर दे विच 23 अक्तूबर नूं कतल किया गया सी सठियाला पिंड दे विच आड़तिया दा। तां उस मामले दे विच पुलिस दे वल्लों 3 बदमाशा नूं गिरफ्तार किया गया सी जिस नूं हुण रिकवरी लैके जाया जा रहा सी। जदों पुलिस इन्हां नूं रिकवरी लई लैके गई तो उस दौरान इसने हथियार खो के पुलिस से ही फायरिंग कर दी। इस तो बाद पुलिस के वलों जवाबी फायरिंग की गई जिस दे विच गुरशरण सिंह नूं ढेर कर दिता गया है। 23 अक्तूबर आरती गुरदीप सिंह का कतल किया गया सी सठियाला पिंड दे विच गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी अते पुलिस ने एक ग्लॉक पिस्टोल अते जिंदा कारतूस भी बरामद किए ने। सरपंच कतलकांड च पुलिस ने 3 मुलजमान नूं गिरफ्तार किया सी अते पुलिस गुरशरण सिंह प्रवीण सिंह अते पारस नूं हथियारों की रिकवरी लई लैके गई सी। पुलिस मुताबक इस दौरान गुरशरण सिंह ने रिकवरी दौरान हथियार खो के पुलिस से ही फायरिंग कर दी ते जवाबी फायरिंग च गुरशरण सिंह नूं ढेर कर दिता। इस खबर से मेरे सहयोगी गुरदर्शन सिंह फोन लाइन से मौजूद ने। गुरदर्शन ये जिहड़ा कतल होया है गुरदीप सिंह आड़तिया का कतल किया गया उस दे विच 3 बदमाशा नूं काबू किया गया ते हुण एक नूं एनकाउंटर दे विच ढेर किया गया। पहला तो थोड़ा कतल बारे दसो किस दिन कतल होया किवें होया उस तो बाद पुलिस दे वल्लों ए एनकाउंटर किया गया हुण। बिल्कुल रणवीर जो मामला हैगा यह सठियाला मंडी दे विच जो कतल होया सीगा साबका सरपंच गोखा जिहड़े ने गुरदीप सिंह गोखा का कतल होया सीगा तां उह मामला जिहड़ा हैगा 23 अक्तूबर का यह मामला हैगा जिस दे विच कह सकदे आ कि अणपछाते बाइक सवारां वल्लों साबका सरपंच दे उत्ते गोलियां चलाईआं गईआं सन जिस तों बाद पुलिस वल्लों लगातार इस मामले दे विच तफ्तीश भी कड़ी जी है अगे तो अगे जोड़ते हुए 3 कथित मुलजमान जोड़ा है वो गिरफ्तार किया गया सीगा और हुण तक की जी जानकारी हुण जो सामने आ रही है उस दे विच पता लग्या है फिलहाल पुलिस के जो सूत्र है उन्हों तो साफ होया है कि पुलिस वालों उस मामले के काबू किए कथित मुलजमान जोड़ा है रिकवरी के लिए
ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਹਾਤੀ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲੁਕੋਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल जेकर गल की जाए इस वेले भी गल सामने आ रही है कि इस शख्स के वलों जो बदमाश है इसने पुलिस से हथियार खो के फायरिंग कर दी। जो बाकी इस दे साथी सी कि वह भी इस वेले नाल सी गुरदर्शन कुछ सामने आ सकी गल वह फरार हो गए ने की अपडेट है ज पुलिस ने उन्होंने काबू कर लिया दोबारा तो उसके संबंधी डी आई जी बॉर्डर रेंज नाल गल हो रही है और थोड़ी ही देर दे विच उस दे बारे भी जिहड़ी मुकम्मल जानकारी हैगी है जरूर अभी जी है साझी करेंगे। लेकिन इस जेकर गल की जाए तो दूसरा गैंगस्टर जिहड़ा सीगा उस वल्लों पुलिस पार्टी से फायरिंग कर दो मंड खेत्र के दरिया च छाल मार के जिहड़ा हैगा भज्जण दे विच कामयाबी उसनू मिली है उत्थों फरार हो गया एक मुलजम जिहड़ा हैगा। ठीक है गुरदर्शन बहुत